ये कहानी है प्रेमवदा की। प्रेमवदा और उसके दो दोस्त मुंबई में एक मैकेनिकल सेक्टर में जॉब करते थे और वो एक दिन की छुट्टी निकालकर मुंबई से कोंकण घूमने आए। वो लोग सुबह कोंकण कन्या एक्सप्रेस में बैठे और रात को 9 बजे तक कोंकण पहुंच गए। कोंकण यानि एक बहुत सुंदर नगरी थी। कोंकण की नगरी यानी एक सुंदर प्रकृति का स्पर्श था। कोंकण की हरियाली जो दुनिया भर में प्रसिद्ध थी और ये लोग वो नज़ारा देखने कोंकण आए थे। कोंकण में प्रेमवदा का पुश्तैनी फार्म हाउस था जो प्रेमवदा के दादाजी संभालते थे। प्रेमवदा बहुत सालों बाद उनकी दादाजी से मिले थे और उनके दादाजी भी बहुत खुश थे कि उनकी पोती बहुत सालों बाद यहाँ आई थी। प्रेमवदा अपने दोस्तों को लेकर उस फार्म हाउस में गई और उन्होंने रात का डिनर किया। कोंकण का स्पेशल फूड यानी वहाँ की फिश वहाँ का बहुत स्पेशल फूड है। वो लोग ने रात का डिनर किया और 11 बजे वो लोग सोने को निकल गए। फार्म हाउस में 4 रूम थे। दादाजी और दादी जी हॉल में सोते थे और ये तीनों को एक एक रूम दिया गया था। चौथा एक रूम था। दादाजी ने कहा ये रूम से कुछ भी हो जाए, थोड़ी भी आवाज़ आए, ये रूम में मत जाना। प्रेमवदा को ये समझ नहीं आया। प्रेमवदा ने कहा दादाजी ऐसा क्यों? उनके दादाजी बोले बेटा जितना कहा है उतना ही करो, तुम नहीं जानते बहुत पुराना फार्म हाउस है ये। प्रेमवदा को कुछ समझ नहीं आया। प्रेमवदा ने कहा ठीक है दादाजी, आप कहते हो इसलिए इसके पीछे ज़रूर कुछ रीज़न होगा, और उन्होंने उसे ठीक है करके चले गए। रात को 2 बजे प्रेमवदा को अचानक से उस रूम में से एक आवाज़ आने लगी। प्रेमवदा उठी, अरे इतनी रात को घुंघरू का आवाज़। प्रेमवदा बाहर निकली और जो चौथा रूम था उसमें से वो आवाज़ आ रहा था। प्रेमवदा उस रूम में जाने वाली थी, उठने में पीछे से महक आया, अरे प्रेमवदा क्या कर रही हो? तब प्रेमवदा बोली अरे मुझे यहाँ से एक आवाज़ आ रहा है। महक बोली अरे कौन सा आवाज़? तब उसने भी वो आवाज़ सुना और थोड़ी देर में रितेश भी उसा, उसे भी वो आवाज़ आने लगा। वो भी ये लोग के साथ आया और अब ये लोग देखने लगे कि वो आवाज़ कहाँ से आ रहा है। तब महक ने कहा चलो दरवाज़ा खोल दो। दरवाज़ा खोला और ये लोग अंदर गए। अंदर जाने के बाद उन्होंने देखा एक ज़ोर सी हवा आई। वहाँ पर एक पुरानी कुर्सी रखी हुई थी, बहुत साल पुरानी। वो कुर्सी अचानक से हिलने लगी और वो कुर्सी में से आवाज आया अब तुम तीनों मारे जाओगे। ये सुनने के बाद वो तीनों बहुत जोर से चिल्लाए। उठने में वहां से दादाजी आए और दादाजी ने ये तीनों को बाहर निकाला और वो रूम बंद किया। और फिर दादी ने कहा चलो जल्दी इन्हें भगवान के रूम में लेके जाओ जहाँ हम भगवान की पूजा करते हैं, चलो जल्दी टाइम नहीं है हमारे पास। और वो इन्हें लेके भगवान के रूम में गए। पूरा परिवार उनका मतलब दादा दादी और ये तीनों दोस्त वो रूम में बैठे रहे जहाँ भगवान का दिया जल रहा था। बाहर से आवाज आने लगा मैं तुम सबको मार डालूंगी। तब प्रेमवदा ने पूछा दादी से दादी ये क्या है इतना भयानक, वो हमें मारना क्यों चाहती है? तब दादी बोली बहुत साल पहले हमारे पूर्वजों के वक्त हमारी पुश्तैनी जमीन लेके थोड़ा झगड़ा हो गया था और हमारा पूर्वज यानी हमारे पिता के पिता का एक और लड़का था और वो लड़के की एक वाइफ भी थी जिसे ये जगह चाहिए थी और ये जगह उसे न मिली जिसके कारण उसने वो चौथे कमरे में ही सुसाइड कर लिया। और तब से लेके आज तक ये पुराना फार्म हाउस वो रूम में आज भी वो घूमती है, पुराने फार्म हाउस में और वो रूम में आज भी वो घूमती है। इसलिए हम वो रूम
कायम बंद रखते हैं, लेकिन आज तुम लोग आए और तुमने वो रूम खोला और उसे आजाद कर दिया। प्रेमवदा बोली, क्या वो हमें मार डालेगी? अब हम यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तब उनकी दादी जी बोली, सुबह के 6 बजने के बाद उसकी शक्ति कम हो जाएगी। जब सूर्योदय होगा तब तुम लोग यहाँ से निकल जाना। तब तक तुम इस भगवान के रूम में ही रहोगे। और फिर सूर्योदय हुआ और ये लोग इस फार्म हाउस से बाहर निकले और अपने ट्रेन में बैठकर वापस मुंबई के लिए रवाना हुए। लेकिन ये सफ़र बहुत भयानक था, जो हम कभी भी भूल नहीं सकते थे।